सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन होती क्या है। ट्रांस मीन्स टू चेंज एंड लोकेशन मीन्स प्लेस और लोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन बेसिकली द वर्ड मीन्स टू चेंज द लोकेशन। तो किस चीज़ की लोकेशन चेंज होती है? क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो जब जो है वाटर की जो लोकेशन है चेंज होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। सो बेसिकली ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर विच आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज थ्रू आउट द प्लांट। कौन कौन से मटेरियल्स जिनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, जिनको मूव किया जाता है प्लांट के एक पार्ट से बाकी पार्ट्स में? उनमें मिनरल आयन्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, शुगर्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, आयन्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब ट्रांसलोकेट होती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर मेड बाय द प्लांट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट। सो ये जो मटेरियल्स जिनकी ट्रांसलोकेशन हो रही होती है, इन मटेरियल्स को कहा जाता है एसिमिलेट्स। द मटेरियल्स विच आर बीइंग ट्रांसलोकेटेड, दीज मटेरियल्स आर नोन एज एसिमिलेट्स। इन एसिमिलेट्स में हमारे पास शुगर्स भी होंगी, ऑर्गेनिक एसिड भी होंगी, हार्मोन्स भी होंगे, आयन्स भी होंगे। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स जिनकी ट्रांसलोकेशन की जाती है, इनको कहा जाता है assimilates. These are the things such as sugars and other chemicals which are made by plants tissue. अब ये जो translocation है, ये होती किसके थ्रू है? तो जो translocation है प्लांट्स में, ये होती है फ्लोएम के थ्रू। आपने पहले पढ़ा कंडक्शन ऑफ वाटर। सो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम, वाइल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट जो है दैट टेक प्लेस थ्रू द फ्लोइंग टिश्यू। What is the phloem tissue? The phloem is the living tissue in vascular plants and it transports the soluble organic compounds which are made during photosynthesis. Phloem kya hai? Vascular bundle hai hamare paas plants mein jisme xylem aur phloem hai. Ab xylem jo hai wo karta hai conduction of water, theek hai? Jabki jo phloem hai wo living tissue hai vascular plants ka, aur wo kya karta hai? Phloem ka kya kaam hota hai? Uska function kya hai? कि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनते हैं, ठीक है, और उनको फोटोसिंथेट्स या एसिमिलेट्स कहा जाता है, पर्टिकुलरली शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, उन पार्ट्स ऑफ प्लांट में जहाँ पे वो नीडेड होते हैं। तो फ्लोइम क्या है? फ्लोइंग हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है एसिमिलेट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर दे आर नीडेड। ठीक है, फ्लोइम को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना जो है बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम फ्लोइम टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये फ्लोइम टिश्यू में हमारे पास है पैरेन्काइमा सेल्स, दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स, देन द सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, एंड दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स आर बेसिकली पॉलीहेड्रल इन शेप एंड दे हैव ओनली अ प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स आर बेसिकली पॉलीहेड्रल इन शेप एंड दे हैव ओनली अ प्राइमरी सेल वॉल and they have the ability that they can retain the future cell division. Okay, they are involved in the future cell division. Parenchyma cells are mostly polyhedral in shape. They have a primary cell wall and they have the ability that they can perform the function of cell division in the future of the plants. So what are the sieve tubes? Sieve tubes are actually present to conduct these minerals in the plant in the phloem. They maintain the cell transportation processes. Okay, sieve tube members are basically living cells
और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स और एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द प्लांट। फ्लोइम में जो स्टीप ट्यूब्स हैं, दीज आर द लिविंग सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की थ्रू आउट द प्लांट सेल। So what are the sieve tubes? Sieve tubes are basically the living cells and they are responsible for transporting the carbohydrates throughout the plant cells. Now companion cells. What are the companion cells? Companion cells are basically the parenchyma cells. Ye parenchymatous hote hain nature mein companion cells. Aur inka function kya hota hai? Ki to load and unload the material into the sieve tube member. Kaun sa material? Jo bhi organic molecules, organic substances hote hain, inka kaam hota hai unki loading or unloading to the sieve tube members. Theek hai? Companion cells mein jo hai nucleus maujood hota hai. They have a nucleus, they contain nucleus, but sieve tube members do not have a nucleus. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब मेंबर्स में? कंपेनियन सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, व्हाइल सीव ट्यूब मेंबर्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। एंड देन द प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट आर द प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली नैरो थ्रेड्स होते हैं साइटोप्लाज्म के, जो पास कर रहे होते हैं सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स ताकि वो कम्युनिकेशन को अलाउ कर सके। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, या ये पोर्स आप इनको कह सकते हैं, चैनल्स कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल प्लांट सेल की सेल वॉल्स के दरमियान होते हैं और कनेक्ट करते हैं इनको एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। सो दे आर साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स, दे कैन बी नेम्ड एज पोर्स और चैनल्स विच आर present throughout the cell wall of adjacent plant cells and they allow the communication between them. So this is the structure of the phloem. Phloem consists of parenchymatous cells, sieve tube members, companion cells, plasmodesmata. So moving towards the translocation. Translocation is the process of in which materials move from leaves to other tissues throughout the plant. Leaves से क्यों मूव कर रहे हैं मटीरियल? इस वजह से कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है? लीव्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, ठीक है, इन दियर लीव्स। लीव्स में क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स के अंदर और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जिस तरह के रूट्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, ठीक है, उनको भी रिक्वायर्ड है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट जो है उनकी भी है। तो अब होता क्या है कि लीव्स से जो है कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स की जो मूवमेंट होती है टू अदर नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ये होती किसके थ्रू है? ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोइंग, ठीक है। अब और ये जो मटेरियल्स जिनको ट्रांसलोकेट किया जाता है इनको कहा जाता है एसिमिलेट्स। दीज एसिमिलेट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सीव एलिमेंट्स विच वर्क क्लोजली टुगेदर विद कंपेनियन सेल्स टू अचीव द ट्रांसलोकेशन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एसिमिलेट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सीव एलिमेंट्स विच वर्क क्लोजली with companion cells. Companion cells are important in loading and unloading of these material to the sieve tube members. And this whole process is known as translocation. So the part of the plant that releases the assimilates into the phloem is called a source, while the part of the plant that removes the assimilates from the phloem is called as sink. ठीक है, तो ऐसा प्लांट जहाँ से जो है, ऐसा प्लांट का पार्ट जहाँ से जो है ये एसिमिलेट्स, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मूव करते हैं किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में, उसको कहा जाता है सोर्स। जहाँ से ये मूव कर रहे होते हैं जिस पार्ट से, उस पार्ट को कहा जाता है सोर्स। या सोर्स क्या चीज़ होती है? जरिया होता है। जो चीज़ भी जरिया बन रही है, सोर्स बन रही है,
इसमें क्या है, हमारे पास प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट्स के केस में लीव्स, लीव्स ऐसा सोर्स है जहां से जो है ट्रांसलोकेट हो रहे हैं मिनरल्स बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाकी पार्ट्स में, तो लीव्स को कहेंगे सोर्स जहां से एसिमिलेट जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, और वो पार्ट जो रिसीव करता है इन ट्रांसलोकेट्स इन एसिमिलेट्स को, सॉरी जो पार्ट रिसीव करता है जिस तरह के रूट है स्टेम है चाहे वो फ्लावर है, वो पार्ट जो इनको रिसीव करता है या जो रिमूव करता है एसिमिलेट को फ्रॉम द फ्लोएम उसको कहा जाता है सिंक। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, सोर्स एंड सिंक। सोर्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिलीजेस द एसिमिलेट्स इनटू द फ्लोएम, व्हाइल सिंक इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमूव्स द एसिमिलेट्स फ्रॉम द फ्लोएम। सो ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, and this movement of organic substances takes place through phloem. In phloem, sieve elements and companion cells work together to achieve this translocation, and the part of the plant from where these materials or assimilates is translocated to other, it is called as source, and from to where it is translocated, it is known as sink. Okay, next we'll move towards the description of the translocation. So a sieve tube is made up of elongated sieve elements that are joined at the ends to form one continuous column. Sieve tubes are basically made up of sieve elements that are joined to form one continuous column. Sieve tube kisse milke, sieve elements se milke bane hote hain, jo joined hue hote hain at the ends se, theek hai, wo ends se sieve elements jo hai wo join hote hain aur ek continuous column bana lete hain. In columns ko kaha jata hai sieve tubes, ek tube like structure bana lete hain. These sieve elements are actually the cells that are found in the phloem tissue. They have non-thickened cellulose walls and they are also very narrow, often having a diameter between 10 and 15 micrometer. Ab sieve elements jo paaye jaate hain phloem ke andar, unki jo walls hoti hain wo cellulosic walls hoti hain, but they are non-thickened and they are also very narrow walls and they have a diameter between 10 and 15 micrometer. And a sieve element has a similar composition to any other plant cell. However, they do not have a nucleus, ribosomes and a tonoplast. Sieve element ki jo composition hai, kisi bhi other plant cell mein jo unki composition hai, usse similar hoti hai phloem ke andar, theek hai? Lekin sieve elements jo hai, unmein nucleus, ribosomes aur jo vacuole hai, wo maujood nahi hota. It do not have a nucleus, ribosomes and vacuoles. Sieve element walls are made up of cellulose so that substances can move laterally as well as vertically. Inki jo arrangement hai, sieve elements jo hai ends se join hue hote hain taki ye ek column bana lein, ek tube like structure bana lein taki substances jo hai wo move kar sake easily laterally as well as vertically. Theek hai, ab end walls jo inki joint hai, to jab do sieve elements jo hai unke ends join karenge aapas mein तो एक सीव प्लेट बन जाएगी. व्हेन द एंड वॉल्स ऑफ टू सीव एलिमेंट्स मीट अ सीव प्लेट इज फॉर्म्ड. ठीक है, जब दो एंड सीव एलिमेंट्स के जॉइन करेंगे और आपस में तो क्या बनेगा, एक सीव प्लेट बन जाएगी. दिस सीव प्लेट इज मेड अप ऑफ द वॉल्स ऑफ बोथ सीव एलिमेंट्स एंड हैज मेनी लार्ज पोर्स अलाउइंग वाटर एंड सॉल्यूट्स टू पास थ्रू टू द नेक्स्ट सीव एलिमेंट. अब ये जो सीव प्लेट बन जाती है एंड्स की ज्वाइनिंग की वजह से, ठीक है, इसमें सीव एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे और बहुत सारी लार्जर पोर्स या फिर प्लाज्मोडेस्माटा आप कह लें वो मौजूद होंगी, जिसकी वजह से वाटर और सॉल्यूट्स जो है वो इजीली पास कर सकेंगे टू द नेक्स्ट सीव एलिमेंट से. ठीक है, और हर जो सीव एलिमेंट होता है उसके साथ एक कंपेनियन सेल जरूर मौजूद होता है. Companion cells have a similar structure of a normal plant cell as they have a cellulose cell wall, a plasma membrane, cytoplasm, a vacuole and a nucleus, but they have a larger number of mitochondria and ribosomes as these cells are very metabolically active. Companion cells similar होते हैं जिस तरह के बाकी plant cells में हैं. Companion cells इनमें nucleus होता है, cytoplasm होते हैं, plasma membrane है, लेकिन इनमें जो mitochondria और ribosomes हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली दे आर वेरी एक्टिव. ऑल्सो द वैक्यूल ऑफ अ कंपेनियन सेल इज रिलेटिवली स्मॉल इंस्टेड ऑफ लार्ज.
So many plasmodic matter pass through the walls between sieve elements and companion cells, providing a direct pathway between the cytoplasm of the companion cell and the cytoplasm of the sieve element. So plasmodic matter का मैंने आपको पहले भी बताया है कि plasmodic matter along cytoplasmic threads होते हैं, pores होती हैं या फिर channels होते हैं, ठीक है? और इनका जो main function है वो क्या होता है कि plasmodic matter जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को कम्युनिकेशन बिटवीन देम. सो प्लाज्मोडेस मैटा पास थ्रू द वॉल्स बिटवीन द सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स. जब ये प्लाज्मोडेस मैटा मौजूद होंगे सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स की वॉल के दरमियान, तो ये उनको डायरेक्ट पाथवे प्रोवाइड करेंगे जहाँ से वो ईजीली जो है मिनरल और जो भी सोल्यूट्स हैं उनको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं. इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट पाथवे बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द कंपेनियन सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सीव एलिमेंट्स फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स. सो इनसाइड अ सीव ट्यूब देयर इज अ फ्लोएम सैप. फ्लोएम सैप क्या होती है? फ्लोएम सैप जो होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं, ये शुगर्स हो गई, प्रोटीन्स हो गए, आइन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए. तो फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो द मूवमेंट विच इज क्रिएटेड इनसाइड अ सीव ट्यूब, इट शुड बी अ मैस फ्लो, यानी बल्क में जो है वो मूव करने चाहिए. अब मैस फ्लो मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए? अ प्रेशर डिफरेंस शुड बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू अचीव द मैस फ्लो इन द फ्लोएम, मीनिंग दैट द प्लांट हैज टू यूज इट्स ऑन एनर्जी. ठीक है, अब इस मैस फ्लो के लिए क्या होना चाहिए कि एक एनर्जी क्रिएट, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए जिसकी वजह से फ्लोएम में जो सॉल्यूट्स हैं वो एक बल्क अमाउंट में मूव कर सकें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. ठीक है, अब होता क्या है कि जो रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन है एंजियोस्पर्म में, दिस इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 meter per hour, वाइल इन कोनिफर्स इट इज मच स्लोअर. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म्स द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 meter per hour, यानी पर आवर में जो ट्रांसलोकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो तकरीबन 1 meter per hour है. 1 meter ये ट्रांसलोकेट करते हैं एक घंटे में, जबकि जो कॉनिफर्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें ये जो रेट है मच स्लोअर है. ठीक है, अब कौन, व्हाट इज द फोर्स दैट रिक्वायर्स द फ्लो ऑफ मटीरियल इन द फ्लोएम. अब यहाँ पे बात हो रही है कि मैस फ्लो क्रिएट करना पड़ता है इस सारे जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि सॉल्यूट्स जो है वो बल्क अमाउंट में जो है मूव कर सकें. सो व्हाट इज द फोर्स दैट ड्राइव्स द फ्लो ऑफ मटीरियल इन द फ्लोएम. ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स है जो फ्लोएम से जो मटेरियल है उसको मूव करने में हेल्प करती है? तो ये कौन सी फोर्स है? इट इज द प्रेशर विच इज जनरेटेड इन द सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स इन द सोर्स टिश्यूज. सो अ प्रेशर डिफरेंस मस्ट बी क्रिएटेड इन द सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स टू मूव दीज सॉल्यूट्स इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इन लीव्स शुगर इज सिंथेसाइज्ड इन मेसोफिल सेल्स. ठीक है, लीव्स में क्या होता है कि जो शुगर्स सिंथेसाइज हो रही होती हैं लीव के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर बन रहे होते हैं, वो बन रही होती हैं इन मेसोफिल सेल्स में. ठीक है, एंड देन इट इज एक्टिवली पम्प्ड इनटू द फ्लोएम यूजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी. ठीक है, बाय यूजिंग दिस एनर्जी शुगर इज नॉट ओनली ट्रांसफर्ड टू द फ्लोएम बट इज ऑल्सो कंसेंट्रेटेड. अब मेसोफिल सेल्स से ये सॉल्यूट्स, ये जो शुगर्स हैं, ये एक्टिवली पम्प हो रहे होते हैं फ्लोएम में. ठीक है, फ्लोएम में पंप हो रहे होते हैं कि इसको जो मेटाबॉलिक एनर्जी अवेलेबल होती है उसको यूज करके ये जो शुगर्स हैं ये पंप हो रही होती हैं मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव से टू द फ्लोएम. अब इस एनर्जी को यूज करके शुगर सिर्फ फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट नहीं होती बट इट इज ऑल्सो कंसेंट्रेटेड. ठीक है, ये जमा भी हो जाती है. When a solute such as sugar is concentrated inside the cells, the water enters the cells by osmosis. जब एक सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वाटर मूव करेगा उस सेल में. वाटर हमेशा मूव करेगा टू अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. तो अब क्या हुआ कि जब मेसोफिल सेल से शुगर्स जो है वो पम्प्ड हुई मेटाबॉलिक एनर्जी के थ्रू फ्लोएम में, तो शुगर की कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड भी हो गई, जमा भी हो गई. अब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन चूंकि सेल में ज्यादा है तो अब इसी एनर्जी को यूज करते हुए
अब क्या होगा कि सॉल्यूट जो है कंसेंट्रेशन चूंकि ज्यादा हो गई है तो वाटर मूव करेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू इनटू द सेल. सिंस द प्लांट सेल्स में क्योंकि एक रिजिड वॉल होती है, ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है, तो जब वाटर उनके अंदर मूव करेगा तो क्या होगा कि इंटरनल इन्फ्लक्स ऑफ वाटर की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है, ये प्रेशर आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 times ज़्यादा होगा जितना कि एक प्रेशर इन ऑटोमोबाइल टायर में जनरेट होता है. ठीक है, जब वाटर जो है सॉल्यूट्स की मौजूदगी में वाटर जो है मूव करेगा इनटू द सेल, तो सेल के अंदर अब क्या होता है, सेल वॉल होती है जो उसको रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है प्लांट में. अब इस इनफ्लक्स ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर जो है वो जनरेट होगा, और इस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर जो है जो प्लांट चेंज नहीं हो रही. Yes, I am still on the same slide. ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ इसी साइड से, then we will move forward कि आपको समझ आ जाए फिर. Okay? Okay, can you hear me, students? Yes, ma'am. Students, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, I repeat कि जब क्या होता है कि लीव्स में जो शुगर फॉर्मेशन होती है मीजोफिल सेल्स में, तो शुगर वहां से एक्टिवली पंप होती है कहाँ पे, फ्लोएम में, यूजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी. अब शुगर जो है ना सिर्फ पंप होती है फ्लोएम में बट कंसेंट्रेट भी हो जाती है, जमा भी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब कोई भी सॉल्यूट सच एज शुगर ही है वो इनसाइड द सेल वो कंसेंट्रेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, तो वाटर एंटर करेगा सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू. क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो रिजिड सेल वॉल होती हैं, तो इस इनफ्लक्स ऑफ वाटर की वजह से क्या होगी कि एक प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है, ये जो प्रेशर है ये उस सेल को जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है उसको मूव करेगा थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव एलिमेंट्स डाउन द ट्यूब. सीव ट्यूब के थ्रू और पोर्स के थ्रू ये इस सेल सैप को जो है ये मूव करेगा डाउन द ट्यूब. अब दूसरे एंड पे क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम में, ये जो सिंक्स है हमारे पास, ये तो हमने सोर्स की बात की जहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है. अब जो सिंक है वहां पे क्या हो रहा है कि शुगर इज कॉन्स्टेंटली लीविंग द फ्लोएम एंड बींग यूज बाई सराउंडिंग सेल्स. कि शुगर जो है वो सराउंडिंग सेल्स जो है उनको भी रिक्वायर्ड है, तो फ्लोएम से जो है उसकी ट्रांसलोकेशन हो रही है टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. ठीक है, सम ऑफ दिस इज कंज्यूम्ड एज एन एनर्जी. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. ओके, अब अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं या सिंक की बात करते हैं, तो शुगर जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है फ्लोएम से ट्रांसलोकेट हो रहा है टू अदर पार्ट्स, टू सराउंडिंग सेल्स, जिनको जो है वो शुगर की या इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं इनकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब क्या होता है कि सम ऑफ दिस इज कंज्यूम्ड एज एनर्जी सोर्स व्हाइल सम इज stored as sugar or starch and some is used to make new cells if the sink tissue is growing. अब ये जो sugars हैं, ये जो जा रही हैं बाकी parts में, कुछ तो ये जो है वो utilize हो रही हैं as energy, कुछ अब क्या हो रहा है कि stored हो रही हैं starch की form में, और बाद जो है वो energy जो है वो utilize हो रही है new cells बनाने में. ठीक है, since sugar leaves the phloem in the sink, water exits too. अब चूंकि फ्लोइम से जो है वो शुगर मूव कर रही है टू द सराउंडिंग सेल, तो वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी एग्जिट कर रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू. ठीक है, और प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. ठीक है, देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन सोर्स एंड सिंक फ्लोइम. अब होता अब है क्या कि जो सोर्स थी हमारे पास उसमें इनफ्लक्स ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ कि प्रेशर जनरेट हुआ इनसाइड द सेल. ठीक है, जबकि सिंक थी जो क्यों हमारे पास, उसमें से क्या हुआ कि जब शुगर मॉलिक्यूल्स मूव आउट एग्जिट हो गए तो वहां से वाटर भी उनके साथ एग्जिट हो रहा है विद इन दैट सॉल्यूट. ठीक है, अब जब वाटर भी एग्जिट होगा तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा सिंक में. तो अब एक प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है सोर्स और सिंक के दरमियान. ये जो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है सिंक के दौरान, यही वो प्रेशर है जिसको हमने कहा है कि ये जरूरत होता है फॉर द मास फ्लो ऑफ सॉल्यूट्स, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म. ठीक है, तो इस स्लाइड में हम यही देख रहे थे कि
this pressure difference is the outcome of active loading of sucrose into sieve elements at the place from which the sucrose is to be transported. And this movement of sucrose decreases the water potential in the sap inside the sieve tube, which causes water to move into the sieve element down a water potential gradient by the process of osmosis. So in the leaf, that is the source, water moves into the sieve tube and moves out of it in the root, which is sink, and a pressure difference is created. This pressure difference causes the liquid inside the tube to flow from the higher pressure area to the lower one. स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है अब इस फिनोमेना की कि प्रेशर किस तरह से जनरेट हो रहा है? यस मैम। यस ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे व्हाट्स द डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे व्हाट इज द एपोप्लास्ट पाथवे वाटर सोक्स इनटू वॉल एंड देन सीप्स फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल एंड थ्रू स्पेसेस बिटवीन द सेल्स विदाउट एवर एंटरिंग अ सेल सो अ पाथवे इन व्हिच वाटर मूव्स थ्रू सेल वॉल और सेल वॉल इज इन्वॉल्व फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर दिस इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे बट व्हाट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे इन व्हिच cytoplasm or vacuole is involved plasmodesmata are involved for the movement of water so the water moves from cell to cell by osmosis or through plasmodesmata and actually enters the cell so what is the difference between apoplast and simplast apoplast pathway involves cell wall while the simplast pathway involves the cytoplasm and vacuoles as we have discussed in earlier lectures So next is loading the sucrose into the phloem. How sucrose is loaded in the phloem. Some sugars are produced by photosynthesis and they are converted into sucrose. This sucrose is then transported to other parts of the plant by the phloem. Sucrose is a soluble substance, so it dissolves in water in the mesophyll cell and moves out of the cell and across the leaf by either the apoplast or simplast pathway. The sucrose is then transferred into the companion cells by active transport and then into the sieve tube through the plasmodesmata. अब हो रहा क्या है plants के अंदर कि जो photosynthesis के नतीजे में sugars produce हो रही हैं, वो sugars जो है वो convert हो रही हैं into sucrose. अब ये जो sucrose है, ये transfer होता है from leaves to other parts of the plant through phloem. Sucrose जो है वो एक soluble substance है, इसलिए ये क्या करता है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स एंड और फिर सेल से मूव आउट करता है आइदर बाय यूजिंग द एपोप्लास्ट पाथवे थ्रू सेल वॉल और बाय यूजिंग द सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू साइटोप्लाज्म और वैक्यूल और प्लाज्मोडेस्माटा सो सुक्रोज ट्रांसफर्ड टू द फ्लोइंग बाय द कंपेनियन सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन इनटू द सीव ट्यूब थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा This occurs in any tissue that requires the sucrose. तो ये procedure जो है ये repeat होता रहता है किसी भी ऐसे tissue में जिसमें जिसको sucrose की जो है वो requirement होती है. The sucrose usually moves out of the phloem and into the tissue by facilitated diffusion, and it is then converted into another substance to maintain a concentration gradient. तो ये plant के अंदर जो है ये एक mechanism है metabolic activities जो है plant के अंदर जो है different हो रही होती हैं कि sucrose की जहाँ पे ज़रूरत होती है phloem जो है transport करता है sucrose को to that part of the plant and then this sucrose is converted into other forms to maintain that concentration gradient as we have discussed earlier about this. So repeating the process what is translocation it is the movement of organic substances made by the plant and these organic substances are known as assimilates okay these assimilates are transported from leaf where photosynthesis take place and sugars are formed to other parts of the plants okay These assimilates are transported through phloem and in phloem sieve tube members and companion cells are actively involved in the translocation of these organic substances so a part of the plant from where these assimilates have to be translocated is known as sink and the part of the plant to which these are translocated is known as sink
फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा. सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, वेयर एज कंपेनियन सेल्स डू हैव अ न्यूक्लियस एंड दे आर इन क्लोज कनेक्शन विद दैट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स. These sieve tube cells are composed of sieve elements, and each sieve element consists of one companion cell adjacent to it. What are plasmodesmata? Plasmodesmata are cytoplasmic threads. Pores are channels which are involved in the movement of these organic substances. So, a sieve tube is made up of Students, I will repeat the lecture and then answer your questions. Okay? Okay, ma'am. Question tab pe padh lijiye mera question. Okay. Thank you.